हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम सबका फेवरेट पानी पूरी का पानी और मसाला। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान से, बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे इसे। तो जब भी अगर आपके घर में धनिया पत्ता ना हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये पानी। तो चलिए, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पानी पूरी का पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तवे में जीरा और लाल मिर्च को हल्का रोस्ट कर लेंगे और फिर इसे कूट लेंगे। तो देखिए हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च और इसमें डालेंगे थोड़े से लहसुन, तो मैंने 3 कली लिए हैं, और इसे अच्छे से कूट लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से कूट लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें पानी डालेंगे। तो आपको जितना पानी बनाना है आप उस हिसाब से डालें। और अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और लाल मिर्च का कूटा हुआ पेस्ट। तो देखिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें पूरा नहीं डालना है, इसे हम थोड़ा सा रख लेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा आम का अचार, इसे मैंने बारीक काट लिया था। और अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो ये भी हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा रख लेंगे मसाले के लिए। और अब मैं इसमें डालूंगी जलजीरा पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी काला नमक। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो ये हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे नींबू। तो आप चाहे तो इसमें इमली पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पे इमली ना हो तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पानी पूरी का पानी रेडी है, और ये बहुत ही तीखा, बहुत ही खट्टा, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हम बनाएंगे मसाला। तो इसके लिए मैं 2 उबले हुए आलू, और इसे हमने मैश कर दिया था। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और अब मैं इसमें डालूंगी जीरा और लाल मिर्च का पाउडर जो हमने रोस्ट किया था। और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे जलजीरा पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।